अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानि अन्नान है और मेरे साथ हैं डॉक्टर नबील बदर। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सब लोगों की खैरियत चाहता हूँ। आज हमारे हानिया, आज हमारी पॉडकास्ट की फर्स्ट वीडियो है ना? जी, इंट्रोडक्शन की बात की। ओके, तो फर्स्ट वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा सोचा था, तो मैंने प्लान किया था कि फर्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही डाइवर्स होगा। तो जो मैंने टॉपिक सोचा था हाँ बोले आदि, अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से 15-10 मिनट पहले मेरी बहन अभी गिरी थी खेलते में, तो उसके पाँव में ना मोच आ गई, उसका पाँव मुड़ गया। तो आप वो देखें तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें लोगों को। मुड़ जाता है ये, वो लोग ऐसे टोटके कर लेते हैं, बताएं। डोंट वरी, जस्ट फॉलो द राइस प्रोटोकॉल। राइस? राइस क्या? ये तो मैंने तो देखा था, मेरी अम्मा वनस्पति बताती है, बनाती नहीं है, वो बताया उन्होंने मुझे के वनस्पति राइस बनाती हूँ मैं, सेला चावल बनाती हूँ। और ये कौन से राइस आए? नहीं, हानिया ऐसा नहीं है। राइस डजंट मीन चावल। राइस इज अ मेडिकल टर्म फॉर एक्यूट इंजरीज। तो मैं सबसे पहले तो मैं आप हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि बेसिकली व्हाट इज एन एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी हर वो इंजरी जिसकी ड्यूरेशन कम होती है। जैसे कि अभी आपने बताया कि हिबा को अभी अभी चोट लगी है, उसका पैर मुड़ गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, तो उसको हम एक्यूट इंजरी कंसिडर करते हैं। साथ में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं क्रॉनिक इंजरी। क्रॉनिक इंजरी वो इंजरीज होती है जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस इंजरी की आप बात कर रहे हैं उसको हम एक्यूट इंजरी कहते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर्स इंटरनेशनली इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कि जब भी किसी को एक्यूट इंजरी होती है तो वो राइस प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं। राइस प्रोटोकॉल चावल नहीं होता, मैं आपको अपनी आपकी स्क्रीन में बता देता हूँ। राइस स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। आपको समझ आया हानिया? आप थोड़ा है ना ऐसा करें डिटेल में समझाएं ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा, मैं बता देता हूँ। रेस्ट का मतलब जब भी किसी जगह चोट लगे तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि उस जगह पे हरकत करने से परहेज किया जाए। और उसके बाद आइसिंग का मामला आता है, यानी आइसिंग की जाए। आइसिंग तो आप समझती है ना, आइसिंग कैसे करनी चाहिए हानिया? कैसे करती हैं आप आइसिंग, जरा मुझे बताइए। वही तो होता है कि लगती है चोट और रब करते रहते हैं। नो, बिल्कुल बिल्कुल इट्स रॉन्ग थिंग। अगर ऐसे करते हैं तो एक चीज होती है, कंडीशन होती है, उसे कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। वो होने का खतरा होता है। आप फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जरूरी है चीज समझना। वैसे नॉर्मली दुनिया भर में लोगों को पता होता है, टीनएजर्स और स्कूल गोइंग बच्चों को, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ये इंफॉर्मेशन और ये नॉलेज दी नहीं जाती। फ्रॉस्ट बाइट, जैसे कि जब कोई चीज गर्म डायरेक्ट स्किन पे लगती है तो हमारे स्किन में बर्न हो जाता है, जो कि एक ऑल्सो एक इंजरी होती है, सीवियर इंजरी होती है। वैसे ही फ्रॉस्ट बाइट होता है जब भी आपकी बॉडी में ठंडक यानी आइस पैक या आइस डायरेक्ट स्किन में लगाई जाए और वो जगह जल जाए, उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आइस से भी जल जाता है? जी, जैसे हीट से जल सकता है वैसे ही आइस से भी जल सकता है, और उस कंडीशन को ही फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो अभी मैं नीचे लिंक में हम लोग जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोग और बाकी हमारे मेंबर्स, डिस्क्रिप्शन में हम सब कुछ दे देंगे जी, ताकि आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में, ताकि हमारे सारे मेंबर्स उसको गूगल पे सर्च करके उसको बारे में और बेहतर तरीके से जान सके। ऐसे ही आइसिंग के बाद कंप्रेशन आता है, यानी अगर वो जगह बहुत ज्यादा दर्द कर रही है तो उसको क्रैप बैंडेज के जरिए बांधा जा सकता है। और अगर सूजन ज्यादा हो रही है या दर्द ज्यादा है तो रात को 2 तकिया के ऊपर पैर रख के सोया जा सकता है, ताकि ग्रेविटी की वजह से ब्लड फ्लो वापस आपकी बॉडी की तरफ आए और आपकी सूजन कम हो। तो इस प्रोटोकॉल को कहते हैं राइस प्रोटोकॉल, जो मैंने अभी आपके सामने एलिबरेट किया। ठीक है? ओ, अच्छा, अब मेरी बहन को ज्यादा मतलब फ्रैक्चर भी हो जाए तो मैं इस पर राइस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूंगी और बर्फ लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, हानि ऐसा नहीं है। हर वो एक्यूट इंजरी जिसमें लिगामेंट, टेंडन या मसल रप्चर हो, इन तीनों चीजों के बारे में लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी,
सिर्फ उसमें राइस प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। फ्रैक्चर्ड के केसेस या स्किन बर्न के केसेस या डिफरेंट वुंड इंजरीज में अपने करीबी मुस्तनेद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लीज इस बात का ख्याल रखना, घर में छोटी अम्मा डॉक्टर नहीं बन जाना आप। आप प्लीज कंडीशन को देखते हुए फैसला करना। और याद रहे, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको हमारी इस वीडियो से मिली है वो 100% एजुकेशनल पर्पस के लिए। घर में किसी भी किस्म की इंजरी के नतीजे में एज अ फर्स्ट एड आपको ये चीज अप्लाई करनी है, बट उसके साथ साथ आपको अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ताकि अगर कोई फ्रैक्चर या कोई बड़ा ट्रॉमा हो तो जल्द अज जल्द आप उससे निपट सकें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं ऐड करना या कोई ऐसा आइडिया है जो हमारे चैनल के बारे में आप बताना चाहते हैं हमें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके हमें प्लीज कमेंट करें, ताकि हम इस चैनल को आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय।